नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। योग का मतलब जोड़ना। योग आपको आपसे जोड़ता है, योग आपको प्रकृति से जोड़ता है, योग ना केवल हमें फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी देता है। बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं योग के, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस विषय को अच्छे से समझें। और क्योंकि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दूरदर्शन पर भी ये पूरा सप्ताह हम योग उत्सव मना रहे हैं। तो इस विशेष अंक में आइए आपको योग से जोड़ें। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। संगच्छध्वं संवदध्वं, संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्, सं वो मनांसि जानताम्, देवा पूर्वे देवापूर्वे संजानानाउपासते, 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 उपासते। योग 5000 साल से भी पुरानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, और 21 जून 2017 को पूरा विश्व तीसरा योग दिवस मनाएगा। इस मौके पर आज के कार्यक्रम में हम योग को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में, आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी होता। नमस्कार मैडम। आप एक इंटीग्रेटेड योगा थेरेपिस्ट हैं और आपने योग पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं। मैम, योग के आगे जब प्रीफिक्स लगता है इंटीग्रेटेड, तो सबसे पहले बताइए इंटीग्रेटेड योगा की परिधि में क्या क्या आता है? सी, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ योगा, भक्ति योगा, राज योगा, तंत्र योगा, द मेनी मेनी काइंड्स। सो वी टेक सर्टन एलिमेंट्स फ्रॉम ईच योगा एज नेसेसरी। एक डिजीज कभी मन से टेंशन से होता है, कभी इमोशन से होता है, कभी टॉक्सिन से होता है, कभी ग्लैंड से होता है, तो ओनली आसन्स एंड प्राणायाम से सब कुछ हम नहीं टैकल कर सकते। इमोशंस को, इमोशन के लिए हम ध्यान, जैसे कि राजयोग का ध्यान, उसको लेते हैं। कभी ज़्यादा रिलैक्सेशन के लिए तंत्र योग से न्यास लेते हैं, और कभी इमोशंस के लिए, हर्ट के लिए भजन कीर्तन, जो भक्ति योग है, नाद योग है, तो भजन कीर्तन भी लेते हैं। हठ योग में भी बहुत है, त्राटक है, षटकर्मा है, तो जैसे जैसे जरूरत है, जो जो वॉट एवर नेसेसरी फॉर अ डिजीज, वी टेक दैट। तो जैसे हठ योग में आपने त्राटक का जिक्र किया, थोड़ा प्रैक्टिकली भी करके बताइए कि क्या हम सभी त्राटक कर सकते हैं, कोई खास एज ग्रुप, पुरुष, महिला, और किस तरह का लाभ मिलता है त्राटक से? त्राटक जो है ये सबको करना चाहिए, बिकॉज एक तो फिजिकली आईसाइट को बहुत बढ़िया रखता है, ब्रेन को बढ़िया रखता है,
then it improves your brain's capacity, your, like, it sharpens your intellect, it improves your memory, concentration. So for students, it's very good. They remember better with less effort. Yes. And elderly, jo thoda memory fade karta hai, it prevents that. And it makes your mind very clear, your decisions are better, and willpower is stronger. Like, and for certain problems like depression or fear, we use it. जी. So she can tell you जी. And she can also show you. जी, इस समय ऑडियंस में हमारे साथ वरुणा है और हम देख रहे हैं कि उनके सामने वंदना एक कैंडल है. वंदना जी, थोड़ा बताइए मैम, किस तरह करते हैं त्राटक? पहले दिखाएंगे या बोलेंगे उनका? बिकॉज शी हैज बीन डूइंग इट फॉर सम टाइम. एक्चुअली आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड डूइंग योगा 8 इयर्स बैक एंड आई ओवरडिड मेडिटेशन. Due to that, I get a very weird feeling, like I get sensitive to sound and I get started getting depressed. So luckily I saw Bijoy ma'am's article in the newspaper where she has talked about the same context. I visited her and she taught me about Tratak technique. So what's the first step to do this technique? How do we do this? Like we can sit with a candle, and the candle should be just in eye same where we are sitting, just front in the eyes. Gee. And we have to just look at the candle and the inner flame of the candle, and we have to just concentrate there until our eyes get a little teary, and then we can close our eyes for 2 minutes, then we can start again. Gee. We can do that 3 times. तो विजय लक्ष्मी जी, अगर मैंने कैंडल जलाई उसके बाद मैं उसकी लौ को देखूं, एक बार में कितनी देर तक देखता रहूं? If your eyes start watering, then you have to close. Otherwise, 2-3 minutes. Like, you look at it for 3 minutes, close your eyes, you will see the after image. Keep that here and concentrate on that till it fades. Okay. Repeat the process 3 times. Okay. So candle you can use only for a month or so, because it is too bright, it okay. will leave its impression on the retina. Okay. So after a month you use something different, like hypnotics, hypnosis mein they use a black dot. Okay. So you can use anything, black dot, you can use a small letter Om or a flower, anything in a card. I can see a bulb also, if I want to see. No light. Is, okay. Just any good symbol, healing symbol, okay. you can put in a card and just keep it there and you look at it. Okay. So it should be done for 15 minutes ideally, but children can't do it for that long. 10 minutes ke liye karenge to bhi bahut fayda hoga. Ek din mein 10 minute. And children must do it. If you give me 1 minute, I'll tell a story. It's yes, a very please. Interesting story. Yes. This gentleman was coming to me and he said his memory is not as good as it used to be. So I taught him Tratak and he said, this ye to maine bachpan mein bahut kiya hua hai. My uncle mujhe bole the ki tum aise dekhte raho jab bhagwan wahan se niklenge. He said ki main ghanton ghant dekhta raha, भगवान को ही मिले नहीं. मैंने कहा नहीं, भगवान नहीं मिले डायरेक्टली, बट हिज मेमोरी एंड हिज इंटेलेक्ट बिकेम सो शार्प, हिज विल पावर वॉज सो स्ट्रांग दैट टुडे ही इज अ बिलियनियर, नॉट अ मिलियनियर, ही इज अ ब्रिलियंट बिलियनियर. आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट इज अ ब्रिलियंट बिलियनियर. आई थिंक दैट्स अ वेरी इनकरेजिंग स्टोरी दैट यू हैव टोल्ड. तो जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर, उनसे आग्रह करेंगे कि आप जरूर इसके बारे में और पढ़ें और जाने, और त्राटक से आपकी मेमोरी बढ़ सकती है और भी बहुत सारे आपने कॉन्सेंट्रेशन, आई साइट, एंड इट ऑल्सो रिलैक्सेस द ब्रेन. सो एंड इट गिव्स यू गुड स्लीप. एंड आई कैन डू इट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और प्रिफरेबली मॉर्निंग. एनी टाइम. बट मैम, आपने स्लीप की बात की, दैट्स द अदर बिग थिंग वेयर वी आर स्ट्रगलिंग. दिन भर की दौड़ धूप के बाद कायदे से हमको अच्छी नींद आ जानी चाहिए, 6 घंटे की अच्छी नींद, ताकि मैं सुबह तरोताजा उठूं. लेकिन हम लोगों को सोने के लिए दवाइयां लेनी पड़ रही हैं. मेमोरी पिल्स लें, स्लीपिंग पिल्स लें, या योग निद्रा का जो आप जिक्र करती हैं उसमें क्या सोल्यूशन है? सी, इसमें जो योग निद्रा जो है उसका 2 पार्ट. एक तो न्यास, एक है तंत्र योग से न्यास लेके मेरे गुरुजी, जो बहुत ही ग्रेट गुरुजी थे, परमहंस सत्यानंद सरस्वती, वो न्यास में जोड़ के कुछ एलिमेंट्स, योगिक एलिमेंट्स योग निद्रा बनाए हैं. तो दिस न्यास इज सो रिलैक्सिंग एंड सो क्विकली इट्स यू गेट इट्स इफेक्ट. You cannot imagine. You ask Mala, she will tell you how it affected her. Mala ji, थोड़ा बताइए ये न्यास कैसे करे हर घर परिवार में आम व्यक्ति. हाँ जी, मैं what happened, how it happened, just I am lucky कि मैं इसी होटा के पास अपने, मैं अस्थमा की प्रॉब्लम थी उसके लिए गई,
और एक दिन मैं जब योगा कर रही थी तो मुझे बहुत पैनिक अटैक हुआ और मैं घबरा गई, आई स्टूड अप, बट मिसी होटा ने मुझे न्यास कराया और विद इन 5 मिनट आई वॉज परफेक्ट। किया क्या, क्या किया, ये क्रिया क्या है, क्या ये करना होता है? योग निद्रा ये न्यास जो है, यू हैव टू टेक योर माइंड ओवर योर बॉडी इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो लाइक यू स्टार्ट विथ योर थम, राइट हैंड थम, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, लाइक दैट यू जस्ट रोटेट इट एंड बाय द टाइम वन राउंड इज ओवर ऑल ओवर द बॉडी यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड इन 1 मिनट इट रिलैक्सेस यू। हाउ डू आई डू इट, आई एम स्टिल नॉट श्योर, बिफोर आई गो टू बेड टुडे व्हाट डू आई डू? It is a text that either you record it yourself and you play it, or because thinking about it is not so effective. Okay, so we have to hear or read that text. It's just a text. In all my books, the text is there. Okay, you just read it out, record it, and you just listen to it. So, ma'am, one, of course, we've learned Tratak, second, Yog Nidra. The third thing which you always have been suggesting is that basically universe is all energy. Yes. We also, human beings, are energy. So, whether I'm doing an asana or a pranayam or a mudra, is it about the flow of energy? What is it I'm trying to achieve? Yes, it is we have two kinds of energy in the body, physical and mental, both energy. They must be balanced for our body to function properly. But normally, because of the tension and stress, the balance is always, it gets upset. And Hatha Yoga, the Ha and Tha, these two, they are actually Ida and Pingala, there is two kinds of nadis. So it brings about a balance between the two energy systems. So they are, the effect of asana is so subtle, because energy is so subtle, the effect of asana is also that subtle. So because that is why you find asanas and exercises, they may look alike, gymnastic, they may look alike, but they are completely different in their effect. It is proved by all these gadgets and all, that when you are doing asanas, your oxygen consumption is lowest, your heartbeat becomes low, your oxygen consumption is lowest and muscular tension at certain parts will be zero. Okay. Whereas when you are doing exercises, it may look the same, but the tension will still be there. When you are doing some movement, the tension will be there. And also the energy level, it doesn't have the same effect. So somebody who wants to kind of create a routine for themselves, now that we are observing Yoga Day and this is an opportunity for of us to connect, in conclusion, what would you say? Make some routine of some asanas, and then I do some pranayam. Then you've also come up with some Hirde mudra. So where does mudra come in this entire sequence? Mudras are also, we normally have the mudras with the yogas or asanas. Sometimes there are different purpose. For different purpose, you use some mudra, like pran mudra. Pran mudra is there where you get more energy. Or there is this Vajroli mudra for men and Shajvali mudra for women, where this, the prostate problem for that, it affects almost within days. They are very, very powerful. So any mudra you like to show, even as we conclude? No, this normal mudra is Gyan mudra, Chin mudra. This we do with our pranayam. And log isko daftar mein bhi kar sakte hain baithke? Yes, you can do it any time, but mudras, the simple mudras you can do any time, but for real, the advanced mudras, the stomach should be empty. Okay. But as I said, all these asanas, pranayama, mudra, bands, they are all good, but only when the body is clean, the inside is clean. Another thing which I want to stress is that cleansing techniques that yoga has, Hatha Yoga has, they are the best, and one must start with that. Cleanse your intestine first, so the blood is purer, the blood is fresher, and its healing power is better. And only after that, the asanas and pranayams will have more effect. Ji, chale to intestine clean karna, cleansing pe zor dena bahut zaruri hai. Physical cleansing, mental achhe thoughts, aur uske baad chahe asan ho, kriyaen ho, bands ho, ya chakras ho, iske baare mein aur jankari lijiye. Ek pura scientific concept hai, lekin aaj is vishay pe charcha karne ke liye Bijoy Lakshmi ji, aapka bahut bahut dhanyawad. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you.